हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से बोल नहीं पाई थी। तो ये लेकर आई हूँ मैं आज लोकमा रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई। तो चलो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये लिए मैंने 400 ग्राम मैदा, एक छोटा चम्मच ईस्ट, ये ईस्ट आसानी से दुकान पर मिल जाएगा, 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सौंफ। इसको अच्छे से मैंने क्रश कर लिया। इसमें टोटल डाला है मैंने 600 ग्राम पानी। इस पानी को डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से मिलाते रहेंगे, क्योंकि ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और इसको अच्छे से मिलाते रहना है। मिलाना है इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको मिलाते रहेंगे। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है। ये डाली हमने 1 टेबल स्पून चीनी, बड़ा चम्मच भर के। तब तक मिलाना है इसे में जब तक चीनी बिल्कुल पिघल जाए इसके अंदर। चीनी मेल्ट हो गई है, थोड़ा पानी और ऐड किया और इसको मिला दिया। तो देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे रखना है हमें 1/2 घंटे के लिए गर्म जगह पे। ये लिया मैंने एक भगोना, इसमें डाला मैंने 1/2 लीटर पानी। देखिए ये है 250 ग्राम चीनी, और ये दूसरी क्लिप ले नहीं पाई थी तो 250 ग्राम दोबारा डाली मैंने चीनी, मतलब 350 ग्राम। तो ये 600 ग्राम चीनी इसमें ऐड की, 2 इलायची क्रश करके ऐड किया और 1 चुटकी सैफरन। सैफरन है तो ऐड करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसे मैं तब तक पकाना जब तक कि चीनी एकदम चाशनी गाढ़ी हो जाए। तो देखिए चाशनी गाढ़ी हो गई है। फ्लेम कर दिया ऑफ, इसको रखेंगे हम अब साइड पे। 1/2 घंटा हो गया है, देखिए डबल हो गया फूल के। डबल तभी होगा जब आप इसे गर्मी की जगह पे रखेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसे अब फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से मैंने गरम कर लिया है और एक ही जगह पे 1 चम्मच डालना है। पाँच से छः मिनट हमें इन्हें फ्राई करने में लगेगा इसको, और इन्हें अलटते पलटते रहना है। देखिए गोल्डन होने लगे। इस रेसिपी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो देखिए गोल्डन अच्छे से हो गए हैं। इन्हें डिप कर देंगे हम चाशनी में। चाशनी में करना है हमें 2 से 3 मिनट के लिए। घर में ये रेसिपी सभी को पसंद आई, और इस रेसिपी को आपको ट्राई ज़रूर करना है और बनाना है इफ्तार के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।